हेलो फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर के एक नया अपडेट जारी हुआ है रेलवे की ओर से, जिसमें से एनटीपीसी CBT 1 को लेकर के है। और इसमें जो नया नोटिस है उसमें एग्जाम फी रिफंड को लेकर के है, और इसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने का लिंक जारी कर दिया गया है। तो इस लिंक में आप लोग जा करके अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स को भर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग भरेंगे तो एनटीपीसी CBT 1 का जे जो एग्जाम लिखे थे कैंडिडेट्स, उनको फी रिफंड कर दिया जाएगा रेलवे की ओर से। तो यह एक नया नोटिस आया हुआ है, इसमें आपको बैंक अकाउंट अपडेट को कर देना है ताकि आप लोगों को रेलवे की ओर से पैसा मिल जाए। तो जिसमें शुल्क रिफंड का जो नोटिस था वो मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें केवल लिंक जो है वह जारी कर दिया गया, कब से जारी होगा यह सब सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप लोगों को यह नोटिस को जरूर से जरूर देख लेना है ताकि एग्जाम फी जो रेलवे देने वाला है वह आप लोगों को मिले, जो जो भी एग्जाम दिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें लिंक क्या है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देखते हैं कि कैसे क्या है। सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है RRB NTPC ऑफिशियल। मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ऐसे लिख लेना है RRB NTPC ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड www.rrbcdg.government.in, ये आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डेट दिया हुआ है, ये इस डेट में CEN 01 2019 NTPC पोस्ट, जिसमें से लिंक फॉर अपडेटिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर फी रिफंड ऑफ CBT 1, दिस लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 11/8/2021 को 10 बजे से खुल जाएगा और 31/8/2021 को रात के 12 बजे तक खुला रहेगा। ये आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि लिंक फॉर अपडेटिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करने के लिए ये जो लिंक को कल जो है वह जारी कर दिया जाएगा 10 बजे से। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, द लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 11/8/2021 और 10 AM, यानी कि कल आपको 11 अगस्त को यह लिंक खुल जाएगा। तो यह एक बड़ी अपडेट है, आप लोग तैयार रहिए और अपना बैंक अकाउंट जो डिटेल्स है उसको भी अब आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपको कल भरना है।